Gupta from Delhi. अर्चना जी, कुछ दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. क्यों? क्योंकि मेरी बॉस से बन नहीं रही थी. ओहो, अच्छा. वो मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा घुस रहा था. अच्छा. वो हमेशा मुझसे बोलता था कि तुम ये सी ग्रेड बी ग्रेड मूवीज क्यों देखते हो. एक कच्ची जवानी पक्का पपीता टाइप. तो मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना. तो बोला लेकिन ऑफिस में तो मत देखो. फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं थोड़ा घूमने निकल गया खुद को पहचानने के लिए. और मैं चला गया आगरा ताजमहल देखने के लिए. जैसे ही मैं आगरा स्टेशन से बाहर निकला, एक बंदा मेरा हाथ पकड़ के बोला, चलो जल्दी चलो, चलिए हम आपको ताजमहल दिखा देंगे और हम आपको आगरा फोर्ट भी दिखा देंगे. मैंने बोला, भाई तू है कौन? बोल रहा, मैं ऑटो वाला. मैंने बोला, रिलैक्स, मुझे कुछ खाना भी है. बोले, चलिए हम आपको नाश्ता भी करा देंगे. क्यों बे, हम जीजा हैं तुम्हारे. ऐसे तो तुम मेरी आदत खराब कर दोगे. ऐसे में कहीं उतार रहा हूँ, हाँ भाई कितना पैसे हो? 50 रुपये. मैं नहीं दूंगा. समोसा तो खिलाया नहीं तुमने मुझे. और देखिए शेखर जी, ऑटो वाले भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं. लाइक दिल्ली और मुंबई के ऑटो वाले में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वाले को कहीं चलने बोलो तो चलता है. दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले कि आज मौसम बढ़िया है दोस्त. चलो. उसे बोलो, भाई मुझे गुड़गांव जाना है. पर द्वारका बढ़िया जगह है. पर मुझे तो गुड़गांव जाना है, पर द्वारका में इस टाइम मौसम अच्छा हो रखा है, वहां छोड़ देता हूँ, वहां से ऑटो कर लेना. अरे बट जो सबसे अजीबोगरीब ऑटो वाले हैं वो यूपी के हैं. अच्छा. वहां के ऑटो वाले का जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो आदमी सड़क के उस पार खड़ा हो, मेरे ऑटो पे क्यों नहीं. उसको अपने ऑटो पे बस लोग चाहिए, उसको लोग चाहिए. उसको समझता नहीं कि उसको ऑटो, उसको लगता है ट्रक है. कितना भी लोग बिठा लेंगे, लोग आ जाएंगे. वो इधर से खाली भरे जा रहे हैं, इधर से कितना गिर रहा वो देख भी नहीं. ऑटो वालों को कोई जमीन नहीं. तुम ट्रैफिक जाम में फंसे रह जाओगे पैदल, ऑटो वाला निकाल ले जाएगा. ये घर के आंगन वांगन से लेके जा रहा. मैं एक बार वेट कर रहा था ऑटो का, मुझे चाहिए था, और सामने से एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया. पर उस ऑटो में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी. उसका ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ था. उसकी गोद में एक आदमी था जिसने अपनी गोद में बच्चा ले रखा था. और उसने ऑटो मेरे सामने लाके रोक दिया. बोला, कहाँ जाना है? और आप देखोगे, कभी भी ऑटो वालों को कुछ सरकैज़म समझ नहीं आता. मैंने बोला, तू पागल वागल है क्या? तू सर पे बिठाएगा क्या? उसकी आंखों में चमक आ गई. उसको लगा, हाँ ये तो कभी ट्राई किया ही नहीं. अच्छा खैर, जब मैं उस दिन आगरा फोर्ट घूमने चला गया, और देखिए मैं यूपी से हूँ और बनिया आदमी, हम लोग गाइड पे पैसे नहीं खर्च करते. बट द थिंग इज, अगर आप गाइड कर भी लेते हो ना, वो तुम्हें बेवकूफी बनाएंगे. वहां पे गाइड ऐसे बता रहे कि ये संगमरमर की दीवारें, ये गर्मी में गर्म रहती और ठंडी में ठंडी हो जाती. मैं बता रहा हूँ, गाइड भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं. लाइक एक बार मैं जंगल में घूम रहा था और हमारे साथ में गाइड था. मैंने बोला, भाई ये जगह बहुत डरावनी लग रही, सुने यहाँ भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देते. बोल, नहीं साहब, देखिए भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैलें ये सब मन का वहम है. आप जितना सोचोगे आपको उतना दिखाई देगा, नहीं सोचोगे मार के चला जाएगा. बोले, ये देखिए, ये है सुसाइड पॉइंट. यहाँ पे आदमी लोग गिर के सुसाइड कर लेते हैं. बोले, क्या सुसाइड पॉइंट? तो पहाड़ है, पहाड़ तो इधर भी है, इधर से कूद के आदमी मर ही जाएगा. बोले, नहीं, यहाँ से बढ़िया मरता है. और जब मैं आगरा फोर्ट घूम रहा था, एक चीज मैंने नोटिस की, हमारी सरकार हमको लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. वहां पर आगरा फोर्ट में बोर्ड लगे हुए थे, उसमें लिखा था कि यहाँ की दीवारों को नहीं खराब करने के लिए धन्यवाद. और वहीं 17-18 साल का एक लड़का दीवार पे प्रियंका प्लस पंकज. और वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होकर देख रहा था. बोल रहे, बाबू बहुत प्यार करते हो प्रियंका को, बस जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो उसे मिटाने चले आना. थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आई लव यू. थैंक यू. तुम
बड़े मजे लेकर अपनी कॉमेडी करते हो. देर इज सपोज टू बी अ पेस एंड टेम्पो इन कॉमेडी. आपने अपनी पेस और अपनी टेम्पो बनाई है. सो देर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रवि, शॉर्ट एंड स्वीट, डिलेक्टेबल, एंजॉयबल परफॉर्मेंस. बहुत अच्छा किया. व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज द वे यू डिलीवर. बड़ा एक कैजुअल सा अप्रोच है और बातचीत का एक लहजा जो है बहुत खूबसूरत है. यू आर वेरी एंटरटेनिंग. आई लव योर परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. Cheer it for him one more time, ladies and gentlemen. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.